सो हेलो एंड वेलकम गाइज, बहुत बहुत स्वागत है आपका सबसे पहले मेरे व्लॉग चैनल पर। मैं रिव्यू देने जा रहा हूँ और जो मेरी बाइक बहुत ज़्यादा अच्छे से चल चुकी है, काफ़ी ज़्यादा चल चुकी है। अच्छा ठीक है, चलिए फिर चलते हैं। ओके चलिए शुरू करते हैं। सो यहाँ पर अभी हम आ गए हैं, इसकी वॉशिंग करवाएंगे बाइक की। लास्ट टाइम पे भी यहीं पर ही सर्विस कराई थी और कोशिश ये रहेगी हमारी, जितना हो सके छोटे से छोटा ब्लॉग बनाएंगे और कोशिश करेंगे थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन भी दे सर्विस के बारे में और माइलेज के बारे में। और फाइनली अब यहाँ पर हम आ गए, चलिए ब्लॉग स्टार्ट हो गया। अभी हम लगाने वाले ये न्यू ब्रेक शू, ये पुराने वाले हो गए, हम इसके न्यू ब्रेक शू लगाएंगे। और ये इसका एयर फिल्टर, लास्ट टाइम हमने बस साफ़ करवाया था, अभी हम इसको चेंज करवाएंगे, न्यू एयर फिल्टर लगाएंगे, जेन्युइन जो होता है। ठीक है, क्या दिक्कत बता रहे थे उस्ताद जी इसमें? तो अभी गाइस हमें उस्ताद जी ने बताया है कि इसका जो पीछे का ड्रम था, जो अलॉय होता है ना, उसका वो ड्रम अंदर से कट रहा था, जिसके वजह से बाइक को अपने आपको अगर बाइक जब पुश करती है आगे की ओर लेकर जाती है, उसमें उसको दिक्कत हो रही थी, जिसके वजह से क्या इंजन में भी फ़र्क पड़ता है और माइलेज भी फ़र्क पड़ता है, ये आपको बताता हूँ। और आप ये अपना एयर फिल्टर अब मैंने जैसे चेंज करवा लिया, इस पर भी माइलेज पर काफ़ी हद तक फ़र्क पड़ जाएगा। ठीक है, और मेरी ऑलमोस्ट अब यहाँ मेरी सर्विस कंप्लीट हो गई है। सो गाइज, यहाँ पर मेरी बाइक का काम होता है ख़त्म। और पहले वाले वीडियो में जिन भाइयों ने कमेंट करके पूछा था, उनको उस टाइम पे रिप्लाई नहीं मिल पाया, तो इसलिए मैंने अब ये व्लॉग बनाया है। तो चलिए बताता हूँ आपको मैंने कैसे अपने TVS रेडोन में डिस्क ब्रेक आगे वाले टायर में इंस्टॉल करवाया। ठीक है, और सॉकर लगवाएं, ये पूरा पल्सर का आगे का जो पूरा टायर है और सॉकर है, विद सॉकर की प्लेट, ये पूरा पल्सर 180 का है। ठीक है, जो इसका पीछे वाला उससे मैंने कोई छेड़छाड़ नहीं करी है, वो एज इट इज़ इसकी TVS रेडोन का है, बस फ्रंट वाला मैंने चेंज करा है। ये बता देता हूँ कैसे चेंज करा है, ये जो पूरा डिस्क जो इसकी मशीन होती है डिस्क की, ये पूरी एज इट इज़ पल्सर की मैंने निकाल के इसमें अटैच करवाई, इंस्टॉल करवाया। ठीक है, इसका फ्रंट वाला ही है ये पूरा, इसका मडगार्ड भी, इसका टायर भी, इसका अलॉय भी, इसका डिस्प्लेट भी, ये पूरा का पूरा एज इट इज़ 180 का है। ठीक है, अब कई पूछेंगे इसमें सेट हो जाती है, हाँ सेट हो जाता है, लेकिन आप अच्छे मैकेनिक से करवाओगे, जिसको अच्छी जानकारी है वो आराम से कर देगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। साल डेढ़ साल से मैं चला रहा हूँ, क्योंकि मुझे डिस्क ब्रेक की आदत है, इसलिए मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया चल रही है। और यहाँ पर मैंने, आपने देखा होगा, सोकर रबड़ लगा रखे थे, पहले वाली वीडियो में देखा होगा, सोकर रबड़ मैंने दोबारा ऑर्डर करे, लेकिन अभी तक मेरे को मिल नहीं पा रहे, शॉप पे भी नहीं मिल पा रहे। ठीक है, बाकी अगर सोकर रबड़ लगाते तो लुक भी अच्छी लगती है। ठीक है, बाकी इसकी सेफ्टी के लिए भी सही रहता है। बाकी बस यहीं तक था, कैसा लग रहा है एक बार आप बताना। बाकी ये जो बैलेंसर है, ये भी मैंने पल्सर के बैलेंसर लगा रखे हैं, जिसके वजह से मुझे बढ़िया ही लग रहा है, हैंडल भी ठीक ही लग रहा है। यहाँ तक था, ठीक है। सो गाइस, फाइनली ब्लॉग यहाँ पर ख़त्म होता है और बाइक की भी सर्विस हो गई है। और आई होप आप लोगों को भी ब्लॉग पसंद आया होगा। और गाइस, अगर आप चाहते हो कि 5 साल पुरानी रेडोन बाइक का माइलेज टेस्ट, मुझे इसका वीडियो बनाना चाहिए या नहीं चाहिए, उसके लिए कमेंट करना। अगर आप 10 लोगों ने कमेंट करा कि इसका माइलेज टेस्ट वीडियो बनाना चाहिए, तो मैं इसका वो भी बना दूंगा। तो बाकी ये वाला ब्लॉग यहीं पर ही ख़त्म करते हैं गाइस, मिलते हैं आपसे किसी और आने वाले न्यू ब्लॉग में, जब तक के लिए करते हैं बाय।